बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद से सरेआम के इस खुसूसी प्रोग्राम के साथ मैं हूँ इकरारुल हसन। ये फैसलाबाद का इलाका है, गुलाम मोहम्मद आबाद। मेरे बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ इस इलाके के अतराफ में गुजरा। नवाबावाला में मेरे रिश्तेदार रहा करते थे और हम जब भी यहाँ से गुजरा करते थे, पावर लूम्स की आवाज़ एक मुस्तकिल आवाज़ थी जो हमारे कानों में पड़ा करती थी। एंड वेरी अनफॉर्चुनेट, आज मैं जब इस इलाके में दाखिल हुआ हूँ तो मैंने कोई आवाज़ नहीं सुनी, यानी मुझे नहीं लगा कि किसी जगह पावर लूम्स चल रही हों। तो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में सनत का पहिया बदकिस्मती से मुकम्मल तौर पर रुक चुका है। यहाँ हमने दावत दी है टेक्सटाइल से वाबस्ता अफराद को, पावर लूम्स से जिन लोगों का रोज़गार वाबस्ता है उन लोगों को, ओहदेदारान को, और साथ ही साथ गारमेंट्स का जो काम है उससे जो वाबस्ता अफराद हैं। सो फैसलाबाद में बदकिस्मती से इंडस्ट्री का भट्टा मुकम्मल तौर पर बिठा दिया गया है, बैठ रहा है। ये जरूर कहा जा रहा है कि जी टेक्सटाइल मिल्स बंद हो रही हैं, और उसके जवाब में कहा गया जो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं उन्होंने कहा जी ऐसा कुछ नहीं है। जाहिर है उन्हें फर्क पड़ता भी नहीं है, फर्क पड़ता है एक आम कारकुन को, एक आम मजदूर को, एक आम वर्कर को। जरा उनसे बात करते हैं कि उनके रोजो शब फैसलाबाद की इन गलियों में जहाँ पावर लूम्स की आवाजें गूंजा करती थी आजकल कैसे गुजर रहे हैं, उनके घरों में क्या हालात हैं, फैक्ट्रियों में सूरत हाल क्या है। जरा गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आप? खैरियत? सबसे पहले जरा आप खुद अपना तारुफ करवाइएगा। बाबा लतीफ मेरा नाम है, चेयरमैन हूँ पाकिस्तान लेबर कॉमन, जो कि फैसलाबाद की टेक्सटाइल की जो तमाम सनत को हम देखते हैं, जो उनके वर्कर के लिए जदोजहद करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब जिद्दोजहद तो जहर हुकूक के लिए तब होगी जब हुकूक मिलते हुए दिखाई दे रहे होंगे। इस वक्त जेन्युइन सूरत हाल क्या है? कहीं हम देख रहे हैं कि जी कहा जा रहे हैं जी इतने 100 टेक्सटाइल्स बंद हो रही हैं, साथ ही हम देखते हैं कि एक दो बड़े ग्रुप्स के जो सीईओज हैं वो कहते हैं जी हम तो शिफ्ट कर रहे हैं, बंद होने वाली खबरें तो ठीक नहीं है। जरा जेन्युइन ग्राउंड पे जो सूरत हाल है वो बताइएगा बाबा जी। जी पाकिस्तान का मानचेस्टर जो फैसलाबाद इंडस्ट्री का हब है, यहाँ पे 5 लाख वर्कर जो कि पावर लूम की सनत पे काम करते थे, इस वक्त जो यहाँ पे टोटल 2100 यूनिट है छोटे, जो छोटा किसी के पास 50 लोग काम करते हैं, किसी के पास 20 लोग काम करते हैं, ये जो छोटे यूनिट से इनमें से 1200 यूनिट जो इस वक्त फैसलाबाद शहर फैसलाबाद डिवीजन के अंदर बंद पड़े हुए हैं। बल्कि मैंने आज आपकी टीम को पूरा दिखाया है कि ताले लगे हुए, तालों को भी जंग चढ़ने नहीं। ये तो मैं इस बात का मैंने अर्ज किया ना, चूंकि हम नवाबावाला जाया करते थे और गुजर के यहीं से गुलाम मोहम्मद आबाद से, और एक और कोई कोस्टल कॉलोनी है, क्या नाम है जी यहाँ पे, जंग रोड पे है ये इंडस्ट्री, समुद्री रोड पे है, डूटी वाला के अंदर, ये 18 जगह पे इंडस्ट्री एरिया है फैसलाबाद के अंदर। तो आज मुझे गुलाम मोहम्मद आबाद में तो वो जो वाइब होती थी, जो पावर लूम्स की आवाज होती थी, वो अनफॉर्चुनेटली कहीं आते हुए दिखाई नहीं दी जी। पाकिस्तान का जो मानचेस्टर है, यहाँ पे जो एशिया की सबसे बड़ी आबादी है गुलाम मोहम्मद आबाद, ये इस वजह से पहचानी जाती थी, यहाँ पे पावर लूम इंडस्ट्री है, यहाँ पे कम अज कम 500 यहाँ पे आप खड़े हुए हैं, 500 यूनिट है, और आज गलियों में आप चले जाए अक्सर यूनिटों को ताले लगे हुए हैं, वो बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। ये वो शहर है जो जब कोरोना आया तो उस वक्त इंडस्ट्री को रिलीफ दिया गया, इस शहर के अंदर मजदूर नहीं मिल रहा था, एक अब ये वक्त है, ये एक बाढ़ के बाव जो इंडस्ट्री है जो तोड़कर बेची जा रही है कि लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोहे के वजन पे बेची जा रही है, हो कह रहा है हुक्मरानों की ये पॉलिसी नहीं है कि मजदूर को रोजगार मिले, मजदूर बिल्कुल बेरोजगार हो रहा है। सबसे बुनियादी जो वजह है वो आपके ख्याल में बिजली के बिल है इस वक्त? बिजली के बिल, जो घरेलू सार्फिन है उनका भी बड़ा मसला बिजली का बिल है, जो इंडस्ट्री है, जो छोटा बहुत रोजगार देने वाले मालकान है उनका भी आजकल सबसे जो बड़ा बिल है, जो जब एक इंडस्ट्री का बिल 3 लाख रुपए आ रहा था, अब उसका 12 लाख रुपया बिल आएगा, कैसे पूरा करेगा, किस तरह सर्वाइव करेगा? इस तरह के जो जीनिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, प्रोसेसिंग है, ये सारा जो इंडस्ट्री का हब है, जो कहते हैं 100 टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हो रही, ये जो हमारी चेन है वो खराब हो चुकी है। चेन ये है कि हमें चाइना से सस्ता धागा मिल रहा है, ठीक है, और जो हमारा मजदूर था वो लाखों की तादाद में बेरोजगार हो गया। हमारा जो 1.5 लाख मजदूर जो कि इस शहर में आकर रोजगार पावर लूम पे कमाता था, वो अपने शहरों को वापस जा चुका है, उनके पास कोई रोजगार नहीं है। ये सिर्फ 1.5 लाख वीविंग यूनिट से गया है, 1200 जो यूनिट हैं छोटे यूनिट बंद हुए हैं, और इसी तरह हम अगर टेक्सटाइल के बड़े यूनिट की बात करें तो 2 लाख मजदूर जो काम छोड़कर अपने वापस अपने देहातों को जा चुके हैं, और लोगों की हालत ये है कि जहां उनसे किराया नहीं दिया गया, उनको बिजली का बिल नहीं दिया गया, और उनका सामान जहाँ पे जब्त कर दिया है मालकान ने, क्योंकि रेंट पे रह रहे थे। चले जो ओहदेदारान है, हम जरा आपसे टेक्निकल चुके बात करते हैं ना, वैसे हम जो एक वर्कर के हालात है, तो वर्कर्स में से जरा आप में से बात करें ना पहले। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? खैरियत से आप? ठीक। कितने अरसे से आप वाबस्ता है? हौजरी में काम करता था। हौजरी में? अच्छा, हौजरी में। हाजी सलामत के बहुत बड़ा यूनिट है जाजी वाले में, ठीक है। अचानक 2 माह पहले काम पे गया, 250 बंदों को फारिग कर दिया, कोई ग्रेजुएट नहीं, कोई पेशगी इतला नहीं दी गई,
अब से मैं बेरोजगार हूँ, उम्र भी उम्र का मेरी का तकाजा करे, फैक्ट्री तो वैसे बंद हो रही है, किसी जगह पे नौकरी नहीं मिल रही। आपने कितना अरसा काम किया? 12 साल उसमें काम किया। अच्छा 12 साल। एक रुपया नहीं दिया, बकाया जाता, अभी मेरे बकाया है उनके पास, जब जाता हूँ। वो क्या बताते हैं क्यों बंद किया हमने? बिजली के बिलों का मसला, यही मसला, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, क्योंकि अगर हमारी बिजली सस्ती होगी, गैस सस्ती होगी, तो हम बाहर में मुकाबला करेंगे दूसरे लोगों का। बिजली महंगी है, साड़ी एक्सपोर्ट बंद है, अगर एक्सपोर्ट होगी तो मिल इंडस्ट्री चलेगी, वर्कर खुशहाल होगा। अच्छा, बिजली महंगी होगी। अब ये फैक्ट्री मालिक जो है, ये बिजली के बिलों की वजह से फैक्ट्रियां बंद कर रहे हैं, तो घरों में जो बिजली के बिल है उनकी क्या सूरत हाल है? घरों का भी उससे बुरा हाल है। देखे ना, मैं अपना 2 माह हो गए मुझे, हाँ। मुकम्मल बेरोजगार हूँ, 20-25 हजार रूपए बिल आ रहा है, 1 रुपया मेरी कमाई नहीं है दिन की, कहाँ से मैं बिल दूंगा, कहाँ से मैं अपना पेट पालूंगा, बिल दूंगा, अगर मेरे छोटे बच्चे कोई मेहमान आ जाता है, क्या उसकी मैं खातर तवाजा करूंगा? तो आगे कोई इम्कान नहीं रोजगार का? आपने कोशिश की तलाश करने की? फैक्ट्री में जाता, वो कहते हम तो पहले ही अपने बंदे निकाल रहे हैं, हम आपको नए बंदों को कैसे नौकरी दें? ठीक है, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। सामने जनाब, क्या चाल है जनाब? आप किस चीज के कारीगर हैं? पावर लूम के। तो पावर लूम तो मुझे कोई चलती हुई नजर ही नहीं आई। गुलाम अहमदाबाद बहरान आया है बहुत शदीद बिलों की वजह से, कुछ धागे की वजह से। ठीक है, तो सब मजदूर जो परेशान है, हकीकत ये है कि मजदूर रोज सोचते है जो हालात है कि इनसे बेहतर है कि खुदकुशी कर ले। अल्लाह, बच्चे भूखे नहीं ना देखे जा सकते, कौन देखता है बच्चे भूखे? हालत वाकई ऐसी आ गई कि फाके हो रहे हैं घरों में। बिल्कुल फाके आ रहे हैं, बिल तो कोई अपनी वॉशिंग मशीन बेचकर बिल अदा कर रहा है, कोई कर्जा लेकर, लेकिन कितनी की देर ये चलेगा? तो अभी पावर लूम्स की जो इस वक्त सूरत हाल, अगर हम इस एरिया में स्पेसिफिकली बात करें, मेजर वजह क्या है बंद होने की या काम ना होने की पावर लूम्स में? बिलों की वजह है, बिजली के बिल जो है वो नहीं अदा किए जा रहे। नहीं जा। और घरों में क्या सूरत हाल है बिजली के बिल? घरों में भी 14-14, 15-15 हजार भी है। पहले कितना आया करता था आपका बिल? 3-4 हजार रुपया। अच्छा, तो फिर अब फिर कैसे पूरा किया आपने पिछले 3-4 महीने का बिल? कभी 2-3 बिल जमा हो जाते हैं, पैसे नहीं होते, फिर मजबूरी होती है कि किसी से कर्जा उधार लेके बिल अदा करते हैं, फिर वो कर्जा उतारने लग जाते हैं, बस यही चलता जा रहा है, सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। चले अल्लाह आसानी के लिए। सलाम अलैकुम जनाब, क्या हाल आपका? ठीक है, खैरियत से? आप क्या काम करते हैं? पावर लूम इंडस्ट्री में काम करता हूं। अच्छा, इसकी बहरान सबसे बड़ा तरीक है, ये बड़ी सतह पर है, लेकिन हम मजदूर तबका है, हम बिजली के बिल के अलावा और महंगाई का भी हमें बहुत सामना। हाँ, हाँ। मैं खुद अपनी बात करता हूँ, मेरा बेटा, छोटा बेटा FSC की हो उन्होंने। अच्छा, आगे मैंने कोर्स करवाना था तो उसको फैक्ट्री में एक लगातार में आप बिल देता हूँ तो वो घर का निजाम चलाता है। अल्लाह, क्या ये यानी अपनी तालीम वो जारी नहीं रख सका? नहीं रख सका। FSC सबसे बहुत बड़ा लायक बच्चा था जिसके 999 नंबर आए थे FSC। अल्लाह अकबर। तो उसको हटाकर मैंने मजदूरी में लगा दिया और वो काम करता है, मजदूरी करता है, तो मैं बिजली का बिल देता हूँ 54,000 रुपया। पिछली बार मैंने बिल जमा करवाया और लोगों से पकड़ कर मिनते करके डालकर 28,000 अब आया हुआ है। याल्ला। दूसरी महंगाई का हम कैसे सामना करते हैं? हमें तो बिल ही नहीं सामना साल लेने देते। तो ऐसे में ये हुकूमत क्या करती है, जबकि पिछली दौर में भी निज़ाम चलता था, ये कारोबार भी चलते थे, बिजली का बिल भी अदा करते थे, इस महीने तो बिजली का बिल है ही से पारक नहीं हो सकता। अच्छा, जब 58,000 रुपया बिजली का बिल आ गया, बच्चे को जाहिर है माशाल्लाह इतना ज़हीन आप बता रहे हैं आगे नहीं पढ़ा पाए, तो फिर खाने पीने का और बाकी काम जो घर में घर के बाकी खर्चे हैं वो कैसे चलते हैं? वो जो उसका सुपरवाइजर था ना, उससे हमने किया डिमांड किया कि हमें कर्ज दो, हमें बिल उतारना है, बिल जमा करवाना, तो वहाँ से लेकर कर्ज लेकर बिल जमा करवाया। आइंदा सोचते हैं कि कौन सी घर की चीज बेचनी है, घर बेचकर हुकूमत को देना है, घर बेच के बिल दे देंगे और फिर खुद बाहर आ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, ऐसा ही होगा ना। और ये नहीं कि काम नहीं कर रहे, माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी इस वक्त भी मजदूरी करके काम कर रहे हैं, जितनी हिम्मत हो सकती है, जितनी जरूरत। 55 साल में हमारी उम्र है, हम फिर भी जान तोड़ कर मजदूरी करते हैं, क्यों करते हैं? हमें तो आराम चाहिए, ये हुकूमत इसकी जिम्मेदार, रियासत जिम्मेदार है, तो ये शोषण कर रहे हैं हमें, धकेला हुआ बिलों में। चले, आपकी तो अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ, जाहिर है आपने माशाल्लाह अब तक का वक्त गुजारा है,
आइंदा नस्ल के बारे में इंसान सोचा है, जब आपने उसको बच्चे को पढ़ाया, FSC करवाई, तो आपने सोचा होगा यार हालात बदल जाएंगे, कम से कम ये बच्चा ही अफसर बन जाएगा, कोई अच्छा काम करेगा। अब जब आपने उसको भी मजदूरी पर डाल दिया, मजदूरी में डाल दिया, तो ये तो अगली नस्ल के ख्वाब भी आपके, अगली नस्ल इससे भी ज्यादा धकेल रहे हैं। ये जो हालात पैदा हो रहे हैं ना, इससे भी ज्यादा बदतर होंगे। ये हमारे हुक्मरान जो भी आ रहे हैं या ये मौजूदा हैं, तो इनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान के अवाम को खत्म कर देंगे, पाकिस्तान को खत्म कर देंगे। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम का मामला फरमाए, अल्लाह आपके लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जनाब? खैरियत से आप? ठीक, आप भी इधर ही रह? और किस काम से वाबस्ता है आप? पावर लूम से वाबस्ता है। तो पावर लूम क्यों नहीं चल रही है अभी जिस तरह पहले? मैं तो जब यहाँ धमक आती होती है, जब बंदा गुजरता है गुलाम मोहम्मदाबाद से, पता लगता है पावर लूम चल रही है। तो आजकल क्या हालात है? बिजली का मसला है, कुछ मालक ऐसे हैं वो कहते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ गया, 3 लाख आता था 15 लाख आ गया, हम नहीं यानी कि अफोर्ड कर सकते, दादा बंद है। इससे हमारे जो फैक्ट्री है, मेरे वर्कर यहाँ पर खड़े हुए हैं, मेरे दोस्त, किसी की 3 पावर रूम है, किसी की 4 है, किसी का घर रेंट पे है, बहुत फाका कशी के हालात, बहुत मजबूरी के हालात है। मैंने अभी अपना पिछला बिल पे किया, अपनी बाइक बेची है, मैंने अपनी बाइक बेच कर मैंने बिल पे किया। अभी मुझे जो गैस का बिल है 11,800 रुपए। अब क्या बेचेंगे? अब देखते हैं अब क्या बेचना है। अब तो यहाँ तक नौबत आ गई है कि कहते हुए शर्म आती है कि इंसान अपना जमीर बेचने पर यानी कि ना आ चुका है। लोग अपनी इज्जतें बेच रहे हैं सिर्फ बिल की खातिर। चलो कारोबार तो दो, हम नौजवान नस्ल जो मेहनत का श्लोक है, मेहनत नहीं मिल रही, मेहनत इंसान ढूंढ रहा है, मेहनत नहीं मिल रही। 14-14 घंटे की हम मजदूरी करते हैं, हमें 900,000 रुपया मिलता है, वो भी नहीं मिल रहा। 14 घंटे लगा कर भी हमें 1,000 रुपया नहीं मिल रहा, वो भी कहते हैं काम नहीं है। तो अब जो पावर लूम सेक्टर है स्पेसिफिकली, इसके लिए कोई किसी तरह की कोई सब्सिडी, यानी ये अफसरों के दफ्तरों के अंदर तो AC चल रहे हैं, उनको मुफ्त यूनिट भी मिल रहे हैं, सेक्रेटरियों को भी, वजीरों को भी, तो जो मजदूर बेचारा अपनी मेहनत मजदूरी से अपना अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, उसके लिए कोई नहीं रियायत, कोई यूनिट दे रहे हो मुफ्त, किसी तरह की कोई सब्सिडी दे रहे हो, किसी तरह की कोई रियायत दे रहे हो, कोई किसी तरह का कोई रिलीफ नहीं है? अकरार भाई, वो जो आपने पीसी बताई है, ये भी मैं भी यही कहना चाहता था कि जो हमसे लेकर ना ये अशराफिया को देते हैं। हाँ जी, आप हमारे चीफ जस्टिस को दे लो, उसको 5,000 यूनिट फ्री है, पेट्रोल फ्री है, सेहत फ्री है। अब MNA MPO को दे लो, किसी ब्यूरोक्रेट को दे लो, वो सब उनको फ्री है। हमसे लेते हैं जो 25,000-20,000 कमाता है, उससे लेकर उसको नवाजा जाता है। ये हम सारे मसाइल हल नहीं कर सकते ना, इनमें इतनी है। ये तो सिर्फ देख रहे हैं, टिकटॉक बना रहे हैं, अपना सोशल मीडिया पे आके देख लो। ठीक बात, गरीब का इनको कोई एहसास ही नहीं है। वो कहते हैं कि ये तो चलता फिरता, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में कि ये तो 2 रोटी खाने वाला यानी कि इंजन है, इसको 2 रोटी मजदूर को दो और सारी रात इसको 14 घंटे इस्तेमाल। अब 2 रोटी भी शायद ठीक से नहीं, नहीं वो भी नहीं मिल रही, वो भी दे लो क्या करती है इन्होंने। मैंने आपसे अर्ज किया कि मेरा अब 11,800 रुपए का बिल आया, मैं अभी अपने दोस्त से कह रहा था कि ये बिल रहने देता हूँ, बिजली का भरा देता हूँ, अब मुझे बताएं मैं क्या करूँ। कोई एक चीज जो है वो कटने के उसके ऊपर, ये तो ये नहीं सारे आपने अपनी बताई कि तमाम तर मेहनत के बावजूद, रिज्क के हलाल की हर एफर्ट के बावजूद हालत ये है। इर्द गिर्द जो आपके दोस्त यार है, पहले तो ये होता था ना, हर कोई एक दूसरे का सहारा बन जाता था कि यार चलो इस बार इसके पास नहीं है, दूसरे ने किसी ने जो है ना सफेद पोशी का भरम रख लिया, सारे मिलजुल के जरा वक्त गुजार लेते थे। तो अब आजकल इर्द गिर्द आपके आपके रिश्तेदारों में, भाइयों में, दोस्तों में, को वर्कर्स जो है आपके, उनके हालात कैसे हैं? उनके भी हालात हमारे जैसे हैं, जब उसको भी पता लग जाता है कि ये मेरी तरफ आ रहा है, वो हमसे भी पहले परेशान बैठे हुए हैं। वो कहता है कि मांग ना ले, हम अपने हमारा आ जाकर जो भी होता है ना, हमारे बॉस भी होता है, रिश्तेदार तो सभी जैसे हम हैं वैसे ही हैं। हमारे रिश्तेदार बॉस हैं, जो हमारे फैक्ट्री के बॉस हैं, वो तो अरबपति हैं। हम उनसे मांगे वो भी नहीं देते, उनसे मांगे ना कि 500,000 रुपया दे दो, 2,000 दे दो, हमने आटा लेना है, सब्जी लेनी है, वो हमसे भी पहले रोना शुरू कर देते हैं। लेकिन बात ठीक है, आपस की बात है, बंदा हर कोई रो रहा है और जेन्युइनली रो रहा है। जिसको जितना अल्लाह ने नवाजा है, उतने उसके खर्चे भी बढ़े हुए हैं, उतनी तकलीफें हैं उसके ऊपर। ये नहीं कि कोई जानबूझ के जो है ना वो ड्रामा कर रहा है, हर तबका पिस रहा है यहाँ पे। ये तो मेरे खिलाफ मानेंगे इस बात को। ये तो आपकी बात दुरुस्त है ना, भी हर तबका पिस रहा है, मगर हम में और उनमें तो फर्क है ना, वो तो बहुत फर्क है। उनको तो चाहिए ना कि हमारा ख्याल करें, मजदूर तो सभी इकट्ठे हैं। हम जब अपने बॉस को कहते हैं कि हमारे साथ एहतजाज में शिरको, तो वो नहीं आते, वो कहते हैं नहीं तुम जाओ। अब एहतजाज जब आप करते हैं, क्या मांगते हैं और किस से मांगते हैं? हम बाबा लतीफ की क़ियादत में एहतजाज करते हैं, हमारे जो है ना लेबर लीडर, वो हमें यानी के
बेचारा वो दिन रात मशक्कत करता है, इसके तो यार वर्किंग करो, देखो अपने हक के खातिर बाहर निकलो। हम अगर किसी दोस्त को कहते हैं या हम इनको शराबियों को कहते हैं, वो हमारी डिमांड पूरी नहीं करती। अभी हमारा गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया है कि 12% रेट है आपका। हम मुझे आप बताएं किसी एक फैक्ट्री में 12% बढ़ाओ, जब हम उनसे अपने मालकान से शराबिया से नहीं 12% रेट का क्या ऐलान किया है? हमारे एक यानी के जो 100 गज का कपड़ा है ना, उस पर 12% हमें यानी के 12 पैसे मिलते हैं। अब हमने उससे डिमांड की अपने बॉस से, ठीक है, ये हमारा घर का गुजारा नहीं हो रहा, हमारी दिहाड़ी कम बन रही है, हमें लिहाजा कुछ दे, वो नहीं मिल रहा। उन्होंने आगे से बीम शार्ट कर दी, लूमे बंद कर दी, पावर लूम बंद कर दी। उन्होंने कहा कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। ये कसूर सिर्फ हुकूमत का नहीं है, इन शराबिया का भी है, सब का। अच्छा बिजली तो ये पे कर रहे हैं, जितनी महंगी हो जाए दे रहे हैं, जब मजदूर की यानी के उजरत का मुतालबा करते हैं वो नहीं है। उस वक्त फिर इनकार है आगे से। उस वक्त इनकार और सब खत्म, तुम जाओ। अभी आप मेरे साथ कहीं चले ना, मैं आपको अपनी फैक्ट्री के हालात दिखाऊँ। आप मुझे दिखाना वहाँ पर 56 लूमों का यानी यूनिट लगा हुआ, उसमें से सिर्फ 16 चल रही है, बाकी सब मजदूर बेचारा बेरोजगार है, किसी के पास आटा नहीं है। अच्छा, यानी अगर वो लूम नहीं चल रही तो उसका जो मजदूर है उसका मीटर भी बंद है? जी 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 जी, वो तो बेरोजगार है बेचारा, वो तो आपसे मांगेगा नहीं, जितना काम करेंगे उतने पैसे मिलेंगे, कोई मंथली या उसका कोई सिलसिला नहीं है? वो तो है ही नहीं, वो तो है ही नहीं। हमें तो हमारी किती नहीं मिल रही, जब हमने मशक्कत की है वो नहीं दे रहे। हाँ। उनसे मांगे ना कि हमें आज दे दो, जुमेरात को, जुमेरात में हमें सैलरी मिलती है, भी आप हमारे काट लेना। वो कह देते हमारे पास है नहीं, हम आपको कहाँ से दे दे। ये कसूर उनका भी है, इनका ज्यादा है। सही, सब सब अशराफिया के लोग। सलाम अलैकुम, क्या हाल है आपका? खैरियत से हैं? आप भी काम करते हैं पावर लूम पे? अच्छा अच्छा, कितने अरसे से कर रहे हैं? मैं तो 8-9 साल हो गए। 9 साल हो गए ने, ते एहो जे हालात पहले देखे सी कदी? 12,000 रुपया मैं महीना कमाउन डया वा, 3 बच्चे आ। महीने का 12,000 कमांदे जे? बस, ते 3 बच्चे ने? 3 बच्चे आ। ते बिल भी? बिल भी, घर दा निजाम भी, सारा कोई करना। किवें चलदा गुजारा? पता नहीं, रब ही है साथ दई जा। अल्लाह दे, अल्लाह दे तो चल रहा है। की करिए, कदी ओदा फड़ ला, कदी ओदा फड़ ला, ओनु फड़, ओनु लाउन दे जा, ओनु देन दे जा, ओनु देन दे। ऐत की बिल किन्ना आया तुहाडा? घर की 7,000 रुपया, एक आया वा 2 मीटर आ, ते 8,500 रुपया एक आया। 7,000 किन्ना हो गया? लग रहे 15-16,000 रुपया। 12,000 कमा रहे हो? रुपया क्या फाड़ के तार आया वा। बाकी फिर रोटी पानी का की करते? रोटी पानी अल्लाह वार सी, कभी ओदों फड़ ला 200, कभी एको फड़ ला। फिर अगे फिर बच्चियां दा की बनेगा, की सोचदे जे? बच्चे भी जदों वड्डे होणगे आपे करने जाने, तो बैठे है भुखे सौंदे ने। ते 12,000 दा भी कम लभ जांदा है वैसे? ना ना, कहे वाले ही आ। हां, किसे वाले ही आ, 12,000, 13,000, 15,000 दा भी आंदा, कहे वाले 8,000 दा आंदा। खुदकुशी करन डे, फिरन डे, कोई मरण दा राह लभन डे, मगर की करे। कदी ए भी, ए भी हुंदा भी बच्चे रोटी 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 बारे बंदा सोचे भी यार हुण अगला अगले ढंग दी रोटी नहीं भी खा के सौंदे, पुंज सोई दा। अल्लाह आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? खैर, मैं चाह रहा हूँ सबसे बात करके ना, फिर जरा अब क़यादत से बात हम ये करें। अब आप बताएं सर, आप पर तो बड़ा प्रेशर होता होगा, सारे वर्कर्स कारकुनान वो अपनी लीडरशिप की तरफ देखते हैं, जो वर्कर्स की हमारे लीडर हैं बबल जदोजहद करते रहते हैं, मगर हम मायूस नहीं होते। जैसा कि इस हुकूमत ने ये हालात पैदा कर दिए हैं, उतारा ये हर वर्क फैसलाबाद में कभी ऐसा बहरान नहीं आया था। हमारे बड़ों ने, हमारे खानदानों के खानदान पावर लूम इंडस्ट्री चला के हमें एक पाला है यहाँ तक ले गए हैं। अगर हमारा अब दिल कर रहा है कि मैं अपने बाप को अपने हाथों पे उठा के जैसा कि उसने मुझे पाला है, सही है, मैं भी उसकी वैसे करूँगा। मगर इस हुक्मरानों ने इस नहज पे लेके आ गए हैं कि हमें शर्मिंदगी आती है अपने बाप के सामने जाते जब वो हमसे खर्चा मांगता है या कुछ मांगता है। ठीक है, उतारा मैं इस हुकूमत से ये कहना चाहूंगा कि अफगानिस्तान के बाद, श्रीलंका के बाद, बांग्लादेश के बाद इंशाल्लाह पाकिस्तान पे इंकलाब दस्तक दे रहा है। उतारा होश के नाखून ले, नहीं तो हमारे गिरबान, हमारे हाथ होंगे और आपके गिरबान होंगे इंशाल्लाह। हम जदोजहद करते रहेंगे, कर रहे हैं, और इंशाल्लाह अल्लाह आप सबके लिए आसानियां पैदा करे। तो जनाब, जाहिर है हर जगह जहां चले जाइए आप, फैसलाबाद में आप जिस सनद से वाबस्ता अफराद से बात कर लें, आपको परेशान हाली ही दिखाई देगी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका जी? खैरियत से? अच्छा जी, आप भी? मैं आपको देख ही हूं। जज़ाकअल्लाह। मेरा जो काम है यहाँ ट्रेडिंग का काम है। ओके। ये जो लूम के मालकान है ना, मैं हम इनको अपना धागा सेल कर, ठीक है, आपको देख के मैं सिर्फ आपकी याद आने के लिए यहाँ पे आया हूँ। जरूर जरूर बात कीजिए। देखिये, पाकिस्तान की जो कपास की पैदावार है ना, हम 5वें नंबर पर,
पूरी दुनिया में हम 5वें नंबर। सही, लेकिन जो हमारी टेक्सटाइल की बरामदात है वो दुनिया के 10 बड़े ममालिक में भी हमारा नाम, अच्छा, जबकि हमारा नाम होना चाहिए। सही, इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी जो बिजली और गैस जो है ना ये बहुत ज़्यादा महंगी हो गई, इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है कि जो दुनिया के सनअतकार हैं टेक्सटाइल की उनको हम कम्पीट ही नहीं कर पा रहे। ये जो मालकान है हम इनको धागा देते हैं, ये कपड़ा भी बनाते हैं, वो बोलते हैं कि यार हम कपड़ा तो बना रहे हैं आगे सेल भी कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि हम कपड़ा सेल करके हम बिजली के बिल जमा करवाएं या आपके पैसे वापस करें। ओके, अच्छा, ये नहीं वो आपके पैसे भी वापस कर रहे हैं, उन्होंने बिजली के बिल भी देने हैं, मेहनत कशों की मजदूरी भी देनी है, बाकी खर्चे भी हैं। जी, ये सारे मसले मसाइल जो है ये सिर्फ बिजली के बिलों की वजह से आ रहे हैं। तो बिजली के बिलों का जो हालिया इजाफा है, इससे पहले कंपैरेटिवली सूरत हाल बेहतर थी? देखें इकरार भाई, जो कोरोना के दिन थे ना, हम उसमें जो हमारी इंडस्ट्री है ना ये बूस्ट की, ये बहुत ज्यादा खान साहब के दौर में ये बूस्ट की, उसकी वजह ये थी कि हमें पूरी दुनिया से ऑर्डर आने शुरू हो गए। जो ये मालकान थे, अगर किसी के पास एक फैक्ट्री है, दो फैक्ट्री है, उसने तीन कर ली, उसने चार कर ली, लेकिन अभी वजह ये हो गई है कि बिजली के बिल इतने आ गए हैं कि उनकी जो पहले एक एक थी वो भी बंद हो गई। हमारे पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 12, अच्छा बता रहे हैं कि वो 56 उनकी लूम्स हैं, उनसे शायद 10 या 12 चल रही हैं। अगर अगर वो फैक्ट्री चल भी रही है तो भी इस एतबार से हल क्या आपके ख्याल में? ये हल इसका यही है कि जो बिजली की जो बिल है ना इसको कम किया जाए, इसके जो टैक्स हैं इसको कम किया जाए। चले अल्लाह सलाम अलैकुम सही जी, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से? इधर के ही रिहायशी हैं आप? पाबलू में काम करता हूँ। अच्छा, अब काम से मैं एक माह से दर बदर फिर रहा हूँ, काम नहीं मिलता। ये तुम्हारे सामने है, तुमने आपने खुद बातें की हैं, खर्चे का खड़का नहीं आता है। नहीं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप देखो, वही बातें मेरी हैं जो सबने की है, वो मैं अब नई बात नहीं, लेकिन आपकी बात इसलिए कि आपने तो माशाल्लाह जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा है। 45 साल से मैं काम कर रहा हूँ। 45 साल से पावर रूम? बिल्कुल, जो प्लाट 2.5 महल्ले का मेरे वाले साहब ने दिया ना वही है। अच्छा, आगे कुछ नहीं बनाया। अल्लाह, तो 45 साल में जो आपने मेहनत की रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए अपने बच्चों के लिए, उस 45 साल में इस तरह के हालात पहले देखे कभी आप? कभी नहीं देखे। एक दौर मैंने ये भी देखा है, 500 रुपया हफ्ते का कमाया, सब कोई घर का खाना पीना आ जाता था। अब 20-20 हजार रुपया भी कमा के लेके देख लिया है, कुछ नहीं बनता है। बहुत हालात खराब है। हम जब तुमको तुम्हारा प्रोग्राम टेलीविजन देते हैं ना, हम तुम्हारी दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला तुम ना बहुत अच्छे मसाला काम कर, मेहरबानी अल्लाह ताला आपको भी सलामत, आमीन। जो ये दोस्तों ने बातें की ना वही मेरी है। ये बात ठीक है। तो ये अभी आपके घर में आपके साथ और कितने बाजू हैं कमाने वाले, बेटे या फैमिली के बाकी बेटे हैं? 3। अल्लाह सलामत रखे। भी बच्चे हैं? हाँ, उनकी भी जिम्मेदारी है। 15-17 हजार, 18 हजार रुपया बिल आता है, यकीन करके जानो ऐतकी ना किसी को फड़ के पैसे देते हैं, पहले देते नहीं आगे बिजली से बिल भरा ही है ना। अब जाहिर है बिजली कट होने जर्मी वैसे भी नहीं रहा है, फड़ के चलो अल्लाह भला करा उन्हें दे देने कुछ ही भेज देंगे। नहीं तो तुसी जो कह रहे हो भी असी आज तक इस तरह के हालात पहले नहीं देखे, तो तुहाडे ख्याल च फिर वजह की है इन्ने भैड़े हालात हो गए ने? वजह की है इन्हां दीआं अजाशियां, होर की है हुकमराना दीआं। हुण देखो ना IMF को पैसे लेंदे आ, हां जी, ते साडे ते लाउंदे आ नहीं, अपने तुहाडे ते लाउंदे आ, अपने शख्सियत दीआं अजाशियां। इस तरह देखो ना, मेरे रिश्तेदार वापडा दे विच कम करदे आ, उहनां नूं एसी भी घरां दे विच चलदे आ, यूनिट भी फ्री आ उहनां दे, ते असी फड़ के दे रहे हैं बिल, फड़ के दे रहे हैं उन्होंने। चलो अल्लाह ने बताया दे, दुआ याद रखना बाबा जी, बड़ी अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है, खैरियत से माशाल्लाह। तो आप भी पावर लूम्स का काम ही करते हैं, कितने अरसे से कर रहे हैं? 25 साल हो गए। तो 25 साल में ये वाले हालात तो बंद पड़ी हुई गलियां मैंने तो आज तक नहीं देखी, मैं तो बचपन मेरा भी यही गुजरा है सारा, लेकिन ये 25 साल में हमने भी नहीं पहले देखी। लेकिन असल में ये सबसे ज्यादा जो मेन वजूहत बनती है वो जो बिजली की है, महंगाई की है। पावर लूम का तो पहले बहुत ज्यादा ही आने का भी आवाज शोर होता था, किसी से भी पूछना हम लोगों ने, यार कौन सा काम, पावर लूम, यार कैसे गुजारा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। अच्छा, लेकिन अब लोग शिकवा नहीं करते होते थे हालात का, अब करते हैं, अब क्यों करते हैं, किसी से भी पूछना यार फिर वो काम किस तरह का, यार बेड़ा गर्क हो गया। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ 16 ਮਾਹ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ 16 ਮਾਹ ਤੋਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਹੋ ਗਿਆ 27,000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਯਾ ਅੱਲਾ,
बुझे हुए चेहरे और गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद आबाद जो की पावर लूम हब तसव्वुर किया जाता था फैसलाबाद का, अब यहाँ मुकम्मल खामोशी दिखाई देती है। बहुत सारी फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं, बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं जिन्हें ताला लगा हुआ देखा है हमने यहाँ पर। ज़रा बात करते हैं, मजीद जानते हैं। सलाम अलैकुम, क्या हाल है जनाब? खैरियत से आप? ठीक ठाक हैं आप? हाँ जी, इसी फैक्ट्री में। कितना अर्सा हो गया आपको काम करते हुए? मेरा 15 साल हो गया यहाँ काम करते हुए। अब एक माह हो गया है मुझे काम नहीं मिल रहा। अच्छा, घर किराए पे रहते हैं हम और 15,000 रुपये किराया है घर का, तो 20,000 रुपये उसका बिल आया हुआ है। बिजली का बिल 20,000 रुपए है। 20,000 रुपया है। वालदा बीमार है, उसकी दवाई के लिए पैसे नहीं है। इंसुलिन लेनी होती है उनके लिए, वो भी हमारे पास पैसे नहीं होते। बस दवा पैसे आ भी जाएंगे कहीं से, कर्जा ले भी नहीं हो, कहती है बेटा आप बिल भरा दो, मेरी दवाई रहने दो। ऐसे हालात है, ऐसे हालात। बच्चे भी फीस नहीं दी हुई, बच्चे घर पे जाओ फीस लेके आओ। बच्चों की जायज जरूरत की बात कर रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा कि मैं अय्याशी की बात नहीं। हां, जायज जरूरत, कॉपी पेंशन नहीं उनकी पूरी हो रही, क्या करे कहाँ। तो एक महीने से आप कह रहे हैं आप जॉब भी नहीं है, जॉब भी तो उसकी क्या वजह है? उसमें काम नहीं मिल रहा, काम ही इतना बंद है, हर जगह बैठने बंद है, कहाँ जहाँ जाओ काम ही नहीं मिलता। पहले यहाँ हम खान के दौर में इतना काम था, लोग हमारी मिलते करते थे, हमारे काम भी आ जाए, हमारे जो वर्कर है जो अच्छा काम करने वाला उसे लोग ढूंढते थे। हाँ जी, ढूंढते थे। अब हम ढूंढने जाते हैं वो कहते नहीं है, हमारे पास काम ही नहीं। अब जब आपके पास अब एक महीने से काम नहीं है, बिजली का बिल अपनी जगह 20,000 रुपये बता रहे हैं, 15,000 रुपया किराया अपनी जगह, वादा की दवाइयाँ अपनी जगह, बच्चों की फीसें अपनी जगह, तो अब अगले महीने का क्या सोचा है फिर आपने? वही तो सोच रहे हम क्या करें, हम तो बाहर तो सोचते खुद कुछ ही कर लें। ऐसी पाकिस्तान में रहते हैं हम, हारा तो जीना महाल कर दिए इन लोगों ने। कर्जा जिनसे लिया है वो वापस मांग रहे हैं, कहाँ जाएं? कभी उससे कर्जा लिया, कभी यारों दोस्त से कर्जा ले लिया, लेकिन कहाँ जाएं? और काम की कोई उम्मीद? काम की उम्मीद ही नहीं है। काम चलता हो फिर हमें ये महसूस नहीं हो, काम चलेगा तो फिर हम कर्जा वापस कर देंगे। अब किराएदार का बार बार रोज फोन आ जाता है, यार किराया तो दे दो, किराया तो दे दो, अच्छा दे देते हैं, अच्छा दे देते, लेकिन वो कितनी देर सब करेंगे, वो भी सामान हमारा जब्त कर लेंगे। और बच्चे कितने हैं माशाल्लाह? 3 बच्चे हैं। वो जहर बच्चों के वाले से हर बाप सोचता है ना कि जी पढ़ाना है उनको और अच्छी तालीम दिलानी है, हमसे बेहतर जिंदगी वो गुजारे। तो अभी इन हालात में आपको लगता है बच्चों की पढ़ाई कंटिन्यू कर पाएंगे? बहुत मुश्किल हो गया जी, मेरा बच्चा, दोनों बच्चे फर्स्ट आए थे, अव्वल क्लास में पढ़ते हैं, इतने अच्छे हैं, लेकिन उनकी जब वो फीस नहीं होती वो हमें बुलाते हैं। मैंने उनका बच्चों से ना कहा करो फीस का, मुझे बुला लिया करो, बच्चों को घर ना भेजा करो। बच्चों को क्या असर पड़ेगा, हमारा बाप इतना भी नहीं कि हमारी फीस ही दे दे, लेकिन क्या करें, अगर काम चलता हो तो हमें ये करने की जरूरत ही ना पड़े। इतने परेशान है मजदूर, हर कोई इतना ही परेशान। आपके ख्याल में जिम्मेदारी किसकी है? सारी जिम्मेदारी हमारी हुकूमत की है, उनका हक मानता है कि हमें रोजगार तो कम से कम दे, काम ऐसे ही चलाएं कि हर मजदूर का पहिया, घर का पहिया चल सके। अल्लाह आसानी पैदा करे, अल्लाह आपकी वालदा को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। वो कोई दुआ करती हैं आपके लिए? हाँ, इंडस्ट्री के लिए, मुल्क के लिए? हाँ जी, वो बहुत दुआएं करती हैं, अल्लाह उनको तंदुरुस्ती दे, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। और कभी ये कभी जिस तरह उन्होंने कहा कि दवाई जब नहीं कर पाते पूरी, तो वो तो ये कभी गिला ही कोई नहीं किया। अल्लाह उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सारे दुआ गुए हैं उनके लिए। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है जी? ठीक है आप? खैरियत से माशाल्लाह। अच्छा, आप भी इसी काम से हैं वाबस्ता? मजदूर आदमी। अच्छा माशाल्लाह जी, मजदूरी बड़ी शानदार बात है। कितने अरसे से कर रहे हैं आप? मेरे तकरीबन कोई 45 साल का हो गया। अच्छा, 45 साल से माशाल्लाह। ये हाथ जो आपके, मेरे ये इसी बीमार हो गए थे और जब बीमार हुए तो उनसे काम नहीं होता था, फिर उन्होंने मुझको अपने साथ पढ़ाई छुड़ा दी और अपने साथ लगा दी, और तब से फिर आप इसी काम में? हाँ, इसी काम में माहिर। अच्छा, तो 45 साल में, जिस तरह मैंने बुजुर्गवार से भी पूछा, जाहिर आप तो हमारे लिए फिर वो एक तरह से असासा है इस इंडस्ट्री के लिए, अपने हुनर के एतबार से भी, अपने एक्सपीरियंस के एतबार से भी, तो 45 साल में जो सिचुएशन अब है, ये कितनी बार आई पहले इस तरह की सूरत? ऐसी सूरत हमने कभी नहीं देखी जैसी अब बनी हुई है ना। और ये हुक्मरानों का काम था वो ख्याल करते गरीबों का, जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला क्या, एक कुत्ता और बकरी भी दरिया के किनारे भूखी मर गई, उम्र आपको पूछ होगी ये कहाँ सोए हुए हैं हुक्मरान हमारे, कहाँ, इनको कोई ख्याल नहीं आता राया का, कि राया ने इनसे इनका गिरेबान पकड़ना, आज नहीं पकड़े क़यामत के वाले दिन पकड़ेंगे इनका गिरेबान, और इनसे हिसाब लिया जाएगा। अगर ये बात करते हैं मालिकों और मजदूरों की,
तो इनको चाहिए कि मालकों भी रिलीफ दें और मजदूरों का भी ख्याल करें, और ना जो मालकों का ख्याल करते हैं भी नहीं उनको भी इतना इतना बिल भेज देते हैं, वो क्या करें, वो पावर लूम बंद कर देते हैं। हमारी साल बाद तकरीबन 4-5 सालों की मेहनत बढ़ ही नहीं रही, या मेहनत का अच्छा, वही जो 5 साल पहले थी वो भी वही आ जाए, वो उनसे पूछा जाए ना, मालिक कहते हैं हम हर साल मेहनत बढ़ाते हैं, वो झूठ बोलते हैं, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। और फिर कहते हैं हमें ये पता लगा ये लेबर का इंसान है तो इसको निकाल देंगे, हम इसको नहीं रखेंगे, बात भी नहीं करने देते। और पखा चल रहा हो, गर्मी हो, रोजा रखा हो, वो बंद करने की कोशिश करते हैं, उसको कहते हैं यार खुदा का खुद करो, जालिमों जुल्म क्यों कर रहे हो, पखा तो चलाने दो, हमारी मोटी हवा तो लेने दो, हमको इतना जवाया जा रहा है, हमको बात करने की इजाजत भी नहीं देते। तो काम की सूरत हाल तो ये है, घरों में हालात क्या है? घरों में हालात ये है कि हमारा घर किराए पे है और 3 महीने का किराया नहीं दिया जा रहा, वो हमने उनसे कहा अगर हमसे किराया नहीं दिया जाओ जा हमारा हम सामान उठा कर बाहर फेंक दो, और नफ्सो नफ्सी पड़ी हुई है। अच्छा ये आपको सीनियर समझ के सारे लोग आपसे आके कोई शिकवा कुछ मदद मांगते तो होंगे, जितने भी बाकी आपके जूनियर काम करने वाले हैं, जूनियर काम करने वो जब हमसे काम करते हैं वो कहते हैं अगर तुम लेबर की बात करो हम तुमको काम से निकाल देंगे, नहीं रखेंगे। अच्छा आपको भी मालकान कहते हैं लेबर की वाक की बात नहीं करनी? नहीं बात करनी, अगर करनी है तो फिर हम तानिए छाड़ कर देंगे, बाणा छाड़ कर देंगे, आपको काम पर नहीं रखेंगे, और ये हालात बन चुके हैं, मजदूर क्या करे, कहाँ से जाकर अपनी आवाज को उठाए, किसको सुनाए। अल्लाह आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल आपका? ठीक है, खैरियत से? आप भी माशाल्लाह यही काम कर रहे हैं? हाँ जी। कितने अरसे से? तकरीबन 17-18 साल। कितना कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में? ये 14-15 घंटे हो जाते हैं। 14-15 घंटे हो जाते हैं, तो कितना महीने का क्या कमा लेते हैं? महीने का यही है 34-35 हज़ार। अच्छा 14-15 घंटे काम करने के बाद तो फिर गुजारा हो जाता है इतने पैसों में? बस अल्लाह के हवाले है। अल्लाह के हवाले। बिल कितना आ रहा है आजकल? तकरीबन कम से कम जो है ना 12,000-13,000 रुपया मामूली सा बिजली का बिल। ठीक है। और गैस का बिल तकरीबन 7-8 हज़ार रुपया गैस का बिल आ जाता है। और घर अपना है? नहीं, किराए पे है। वो भी किराया? उसका कितना रेंट है? उसका 12,000 रुपया। ये सारा कुछ चला गया थोड़ा, बाकी खाना पीना कैसे किधर से होता है? बाकी क्या खाना पीना यार, किसको क्या बताएंगे, ये सब मजदूरों ने क्या यही रोना है हमारा, सब मजदूरों का यही। अगर बिजली का बिल अदा करें किराया रह जाता है, किराया दें तो बिजली के बिल रह जाते हैं, जो राशन है वो हफ्ते एक मंथ में एक हफ्ते का राशन हो जाता है, ठीक है, बाकी जो 3 हफ्ते हैं वो बिजली का बिल, गैस का बिल और किराया हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता। बच्चों की पढ़ाई वो भी नहीं है, मेरा बेटा 7 साल का हो गया है। अच्छा। अभी तक स्कूल नहीं डाला। ख्वाहिश तो होगी कि जाहिर जाहिर सारी गल है, हर इन बाप का होता है कि मेरा बेटा पढ़े लिखे, अभी 7 साल का हो गया और वजह सिर्फ ये कि पैसे नहीं है स्कूल भेजने के। अल्लाह चले, बिजली के बिल ही नहीं हमें उठने दे रही, महंगाई नहीं उठने दे रही, बच्चे पढ़ाना तो बड़ी दूर की बात है। सर ये हमने आज सच्ची बात है मेरी तवक्को से ज्यादा तकलीफ दे गुफ्तगू मैंने सुनी लोगों के, जो जो उनकी आंखों में तकलीफ है, जो उनके घरों के वो हालात बता रहे हैं, तो आप ज़ाहिर है चूँकि क़यादत कर रहे हैं इन तमाम वर्कर्स की, अब लाहे अमल क्या है? मुझे तो आगे बिल्कुल अंधेरा नज़र आ रहा है। इकरार भाई, फैसलाबाद के 18 सेक्टर पे इंडस्ट्री चल रही है, अगर आप रोज़ाना की फैसलाबाद की जो जुराइम की रेशो निकालें, रोज़ाना की बुनियाद पर हर थाने की हदूद में 8 से 10 बड़ी डकैतियाँ हो रही हैं। अगर मैं एक फैक्ट्री एरिया का इलाका है थाना ठिकरी वाला, वहाँ पे आपको बताऊं कि 12 करोड़ रुपए की पिछले 3 माह में डकैतियां हुई हैं, और कितने मजदूर कत्ल हुए हैं, पुलिस वाले कत्ल हो रहे हैं, लोग छीनने पे आ चुके हैं। अब ये चंगारिया जो जब फूटेगी तो बांग्लादेश की तरह बन जाए, हम बांग्लादेश नहीं बनाना चाहते, लेकिन यहाँ पे बांग्लादेश जैसा माहौल पैदा कर दिया गया है, जो पाकिस्तान का मैनचेस्टर है, जहाँ पे लाखों मजदूरों को रोजगार देने वाली इंडस्ट्री, जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है, आप बड़े सनअतकारों को तो सब्सिडी देते हैं, जब तक ये छोटी जो लाखों लोगों को रोजगार देती है इसको सब्सिडी नहीं दी जाएगी तो ये तरक्की नहीं कर सकता। अभी किसी तरह की कोई रियायत नहीं है इस इंडस्ट्री के लिए, ये छोटी जो स्मॉल इंडस्ट्री है इसको सिर्फ और सिर्फ जो बड़े एक्सपोर्टर हैं वो जो सब्सिडी दी जा रही है, अरबों रुपए की सब्सिडी दी जा रही है, 17 अरब रुपए की जो सनअतकारों को सब्सिडी देती है, एक्सपोर्टर को देती है, या शुगर मिल एसोसिएशन को सब्सिडी मिलती है, जो आप धमकी लगा रहे हैं कि जी हम शुगर मिले नहीं चलाएंगे क्योंकि हमारी चीनी एक्सपोर्ट नहीं की गई, तो हमें तो हर तरफ से धमकियां लगाई जाती हैं। लेकिन ये तो IMF का एजेंडा, IMF का जो कर्जा लिया है, क्या इन गलियों में लगता है, आप इन गलियों की हालत तो देखें जहां पे हम रह रहे हैं,
जो बिजली का बिल दे रहे हैं और जो जितना हम कमाते हैं वो बिजली के बिलों में जा रहे हैं। हमारे बच्चे तालीम से दूर रह रहे हैं। रियासत 1973 का आइन बनाया गया था जिसमें आर्टिकल 3, 37 और 38 जिसमें वाजह तौर पर कहा गया कि रियासत की जिम्मेदारी हो तालीम से तो रोजगार देना, लेकिन आज यहाँ पे इनमें से आधे मजदूर तो नहीं भेज पा रहे अपने बच्चों को। उस आइन को बनाने के लिए मजदूरों ने, तुलबा ने, किसानों ने कुर्बानियां दी, तो अब फैसला कर लिया।